नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। कलरफुल साड़ी, साड़ी पेटीकोट, साड़ी पेटीकोट, कलरफुल साड़ी, पेटीकोट पेटीकोट पेटीकोट, कलरफुल साड़ी पेटीकोट। कैसी हो भाभी जी? आओ शंभू, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपके लिए कांजीवरम सिल्क, बनारसी सिल्क, कोल्हापुरी सिल्क सब देखा, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आया, इसीलिए मैं सब तरफ से ढूंढकर आपके लिए मशरूम सिल्क लेकर आया हूँ। ये मशरूम सिल्क क्या होता है? आज आपके लिए लाया हूँ, आपको मशरूम सिल्क बहुत पसंद आएगा। आप खुश हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी कौन सी साड़ी लाया? दिखाओ तो। पता नहीं क्यों मैं आपके बारे में सोचकर आपके लिए अच्छी साड़ी लाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिखाओ। ये लो देखो, आपके ऊपर बहुत जमेगी। अरे ये क्या है? इसमें तो होल ही होल दिखाई दे रहा है। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? आजकल फैशन का जमाना है, नया पैटर्न है, ये है ना मॉडर्न ड्रेस है। आजकल औरतों को होल वाली साड़ियाँ बहुत पसंद आती है। सिर्फ आपका पति ही नहीं, पूरे गांव के लोग आपको देखकर आहें भरेंगे और आपके बदन को ठंडी हवा भी लगेगी। अगर मैंने ऐसी साड़ी पहनी ना तो ये मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। घर से भगा देगा? मैं उसे खत्म कर दूंगा। अरे उन्हें मार दोगे तो मेरा क्या होगा? मैं हूँ ना। तुम तो किसी काम के नहीं हो। तुमसे क्या होगा? तुम्हें किसने बताया? इसने कहा। क्यों रे, मेरे बारे में झूठ बोलता है? पर मेरे साथ हालात में ना कर दे। कितनी अच्छी साड़ी लाया हूँ, ले लो ना भाभी माल। क्यों भैया, मैं ये साड़ी पहनकर अपना बदन दिखाती फिरूँ? हाँ, और ऊपर से तुम मेरे पति को भी मार डालोगे? तुम अपने आप को समझते क्या हो? इस गांव में साड़ियाँ बेचने आते हो या औरतों के साथ मस्ती करने के लिए आते हो? झाड़ू से मारूंगी, दोबारा दिखाई दिया तो? हाँ सुबह सुबह अरे मेरी कंपनी की साइकिल तो वहीं पर रह गई। साइकिल ले आओ, बता देती हूँ। ए, क्या हुआ, वो टिंकू नहीं दिखाई दे रहा सुबह से? पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने भी उसे सुबह से देखा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है। क्या है, निकल। मैं तो ऐसे ही आया था, मैं जा रहा हूँ भाई। अबे पागल है क्या, इस लड़की के कहने पे तू चला जाएगा? अपनी दोस्ती में लड़की कहाँ से आ गई? जाना यार, तू जाने या ये लड़की जाने, मैं चलता हूँ। दोनों मिलकर मुझे डांटते रहते हो, मैं चलता हूँ यार। जाने दोनों उसे, मैं हूँ ना बाबा, मैं तुम्हारे ऊपर एक धूल तक नहीं पड़ने दूंगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। तू ध्यान रखे। ओफो, तुम गुस्सा क्यों करते हो बाबा, आज तो तुम बड़े जच रहे हो। इसके पिताजी फंस गए। क्या करूं, तेरे को शर्म है कि नहीं? हमेशा उस लक्ष्मी दीदी के बेटे के पीछे पड़ी रहती है। जानती भी है गांव वाले क्या कहते हैं? तेरे कारण गांव वालों के सामने सर उठा के नहीं चल पा रहा हूँ मैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, जो ये जय है ना, किसी और लड़की के चक्कर में पड़ के मेरा और तुम्हारा दोनों का मुँह काला कर देगा वो, समझी ना? मेरा जय मुझे कभी धोखा नहीं देगा बाबा। इतनी बार समझाने के बाद भी नहीं समझती? इकलौती बेटी हो, तुम्हारी शादी धूमधाम से कराना चाहता हूँ मैं, लेकिन तुम हो ना, जाओ यहाँ से। मालिक, आपने भी छोटी सी बात है बच्ची को डांट दिया। हम सब जवानी में छोटी मोटी गलतियां करते हैं। पागल कहीं के, रात भर जय जय कहती रहती है, मैंने सुना है ये। एक लड़की का बाप भी ये तकलीफ समझ सकता है, चल। क्या भगवान, मेरे दोस्त की इतनी प्यारी लड़की थी, मुझे ऐसा चांस मिलता तो कभी मिस ही नहीं करता। यहाँ चिपकने के लिए कोई है क्या? अरे आओ माला, आओ, कैसी हो? क्या बात है किस्मत? अरे मेरे तो नाम में ही किस्मत जुड़ा है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं। आप कहना क्या चाहते हो? तुम तो प्यार में पागल होके जय के पीछे आई लव यू कहके घूमती रहती हो, लेकिन जय के घर में एक लड़की आई है बच्चे के साथ। पता है? वो और कोई नहीं है, वो जय के कोई मुँह बोले मामा की लड़की है। वो अपने साथ एक बच्चा लाई है, अब वो उसकी बहन तो है नहीं, तो सोचो क्या होगी। ऐसा है क्या, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम कितनी भोली हो माला, तुम तो जय के प्यार में पागल हो, जय तो उसके प्यार में पागल है, और मैंने ये भी सुना है कि दोनों की शादी होने वाली है। मेरा जय ऐसा कभी नहीं करेगा। ये बात तुम्हारे पिताजी भी जानते हैं, तुम्हारी माताजी भी जानती है, पूरे गांव वाले जानते हैं। अब तो मुझे भी पता चल गई है, वो तुमसे शादी नहीं करने वाला है, क्योंकि उसे तुमसे सुंदर लड़की मिल गई है, वो उसके साथ घूम रहा है, तुमसे क्यों शादी करेगा? अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ। जय, तूने मेरी धोती उतार के मुझे नंगा किया था ना, अब देख मैं तुझे पूरे गांव के सामने कैसे नंगा करता हूँ। Excuse me. हाँ कहो। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ?
आप कहाँ तक पढ़ी हैं? बीएससी कंप्यूटर साइंस। ओह, वैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। आपके गांव में भी ऐसा मौसम होता है? हाँ, अब यहाँ जैसा है वैसा वहाँ भी होगा। नाश्ता किया आपने? हम दोनों ने साथ में किया ना। दिमाग खराब है क्या मेरा? मैं क्या पूछ रहा हूँ इससे? आपके पिताजी अगर घर गए तो आप भी उनके साथ चली जाएंगी? हाँ, मैं भी चली जाऊंगी। यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। ठीक है, मैं चलता हूँ। जय, वैसे तुम्हारा अफेयर कहाँ तक पहुँचा? अफेयर? हाँ। मेरा? ना ना, मेरा अफेयर किसी से नहीं चल रहा। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। अरे आंटी। माँ, कहाँ पे? मजाक किया मैंने। मेरा मजाक उड़ा रही थी, देख लेना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो ठीक है, आप जाकर हाँ, ले आना। ठीक है माँ। हाँ माँ। हाँ, वो अपना नया घर तैयार हो गया, हम वहाँ कब चल रहे हैं? इस घर में तेरे पिताजी की यादें जुड़ी हुई हैं, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? तुम जानते हो तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। इसने हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या बोल रहा है? इसने क्या पूछोगे? नहीं माँ, क्या पूछोगे इससे? तुम पूछना है तो मेरी बेटी से पूछो, इसकी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी है। घर जाके इस पे याद उठा रहे हो? तुम कौन है? इसका मामा हूँ मैं, पूछूंगा। मुंह बोले मामा से ही पूछ लो। देखे तुम्हारे जैसे कोई भी लड़की इतना बड़ा इल्जाम ऐसे ही किसी पे नहीं लगा सकती है। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर हमारी शादी हुई ना तो मैं खुश रह पाऊंगा और ना ही तुम रह पाओगी, लेकिन फिर भी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या कर रहे हो तुम? क्यों, अब क्या हो गया? क्या हुआ? क्यों नहीं पहने मंगलसूत्र? जरा एक मिनट सुनना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फालतू में एक बेचारी लड़की की जिंदगी खराब कर दी तुमने। सुनो, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अच्छा, तुमने कोई गलती नहीं की? तो वो लड़की जो कह रही थी कि उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है, वो क्या है? तुमने देखा ना, उस लड़की ने जो भी कुछ कहा वो सब झूठ था। आप जिसे पसंद करते हैं और कोई आपसे प्यार करता है, अगर शादी उसी से करेंगे जिंदगी ज्यादा खुशहाल रहेगी, ऐसा हमारे एक सुपरस्टार ने कहा था। ऐसी बात नहीं है, शादी करने के लिए अगर एक तैयार हो तो जिंदगी सुख से नहीं कटती, अगर दोनों शादी करने के लिए तैयार हो तो जिंदगी सुख से गुजरेगी, और ये किसी और ने नहीं, मैंने कहा है। तुम तो बातें बड़ी अच्छी करते हो, इसी तरह बातें करके उस लड़की को फंसाया था ना? कितनी भी अच्छी बातें कर लो, ये घुमा फिरा के वहीं आ जाती है। ठीक है, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। सुनो एक मिनट, तुमसे क्या है? अपने बारे में बात करनी है। तुम्हारे बारे में? कल हम कहीं पे मिल सकते हैं क्या? कहाँ मिलना है? जहाँ तुम कहो वहाँ पे। ठीक है, बताती हूँ। सॉरी, आ गए? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं तो बहुत पहले ही आ गई थी। वैसे हमारा गांव बहुत सुंदर है ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। तुम 2-3 बार मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे पर बिना कहे ही चले गए, क्या बात है बोलो ना। मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैंने कुछ कहा तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? अच्छा, मैं बुरा मान जाऊँ ऐसा तो कुछ नहीं कहने वाले हो ना तुम। खैर कोई बात नहीं, बोलो। देखो, मैं इस बात को ज्यादा टाइम तक दिल में नहीं रख सकता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या, मुझसे प्यार करते हो? क्या हुआ? हेलो हेलो,
अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने, अगर तुम्हें मंजूर है तो हाँ कह दो, नहीं तो ना कर दो, लेकिन इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सॉरी सॉरी सॉरी, वो बात यह है कि मैं पिछले 4 साल से किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। I'm very sorry. ओह, ये बात है। Sorry. शायद मैंने ही गलती कर दी है। मैं चलता हूँ।